असलम दोस्तों यदि आप कोत में रहते हो और कुेत की अमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है खास तौर पे उन एक्सपर्ट लोगों के लिए जो कि कुवैत में पढ़ने उड़ने के लिए गए हैं या फिर कोई डिग्री वगैरह हासिल करने के लिए गए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कोत हुकूमत की तरफ से किया गया है खबर निकलकर दोस्तों यार स्टिक पेनल्टी इंपोस्ट फॉर हाउसिंग एक्सपर्ट बैचलर इन कुवैत यानी एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ कुवेत म्यूनिसपैलिटी के जो हेड है जिसका नाम है सऊद अल दबोस उनके तरफ से कन्फर्म कर दिया गया है कोई भी बैचलर यदि कोई मॉडल हाउस एरिया में रहता है यानी प्राइवेट कोई एरिया में रहता है जहाँ पे कुवैती नागरिक जहाँ पे फैमिली मेम्बर के साथ वो लोग रहते हैं यदि वहाँ पे वहाँ पे रहते हुए पकड़ा गया या फिर बेवजह घूमता हुआ पकड़ा जाता है तो उन पर सख्त पेनल्टी लगाई जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई करने के वहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है जो भी भाई लोग आप लोग कुएत में रहते हो यदि आप लोग वहाँ पे बैचलर हो पढ़ाई कर रहे हो कोई डिग्री वगैरह वा वाले आप लोग हो तो बेवजह लोग वहाँ पे एरिया में ना जाए जहाँ जा पे फैमिली कुैत के फैमिली मेंबर लोग रहते हैं या फिर वहाँ पे आपको भाड़े पे भी नहीं रहना जहाँ पे कुएती फैमिली मेंबर लोग रहते हैं यदि कोई कंप्लेन कर दिया किसी तरह का पुलिस को जानकारी दे दी तो हो सकता है आप भारी पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथ ही वो आ रही है टू टू फिफ्टी मैकेनिक गन राउंड आर्मी यूनिफॉर्म सीज फ्रॉम ए सीरियन दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि वहाँ पे दो सौ पच दो सौ पचास साथ ही वहाँ पर मैके मसीन गन दोस्तों अब मशीन गन आप समझते ही होंगे दोस्तों मशीन 250 सौ पचास वहाँ पे मशीन गन राउंड को वहाँ पे जब्त किया गया है जो एक सीरियन शख्स के पास पाया गया एक आर्मी के यूनिफॉर्म में यानी दोस्तों सीरिया का वो नागरिक वो रहने वाला था जिस उसके पास लगभग वहाँ पे जो मशीन गन में जो जो बंद गोलियाँ इस्तेमाल की जाती लगभग दो सौ पचास गोलियों का दोस्तों वहाँ पे वहाँ पे उसके पास पाया गया है जिसके बाद पूरे कुवैत पुलिस जो है वो सचेत हो गई है क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना दोस्तों इससे हो सकता था बताया जा रहा है दोस्तों सीरियन जो है उन्नीस सौ पैंसठ का उनका जन्म हुआ है जब उसकी आई डी मांगी गई और उसके फर्नीचर लगेज में दोस्तों छुपा के रखा जा रहा था जिसके बाद फिलहाल अभी अथॉरिटी की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा रही है फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया पर उसके बावजूद भी उससे पूछताछ वगैरह जारी है आखिर उसके पास इतने भारी मात्रा में बंदूक और गोलियाँ वगैरह कहाँ से आया और वो क्यों आखिर कुवैत में लाकर वो घूम रहा था दोस्तों ये हो सकता है वो नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता कोई बड़ी दुर्घटना कुएत में घट सकती थी पर का शुक्र है कि ऐसी कोई घटना वगैरह नहीं घटी अगली खबर दोस्तों जो साथियों है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से नाइन एक्सपर्ट को यानी नौ एक्सपर्ट को डिटेन किया गया है वीज़ा लॉ के वायलेशन के आरोप में ख़बर दोस्तों यह है कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ अहमदी और अल एरिया अहमदी गवर्नमेंट और फहील एरिया से मिल के वहाँ पर छापेमारी की गई तो छापेमारी के दौरान लगभग वहाँ पर नौ एक्सपर्ट को अरेस्ट कर लिया गया है और उस नौ एक्सपर्ट दोस्तों सभी के सभी वीज़ा लॉ का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं फिलहाल तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी पर कानूनी कार्रवाई करके सभी को डिटेन कर दिया गया अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथियों सेंट्रल पीजें यानी दोस्तों वहाँ सेंट्रल यानी दोस्तों वहाँ की जो जेल है वहाँ से साथियों आ रही है तो वहाँ पे एक घटना दोस्तों घटी आपको तो पता ही होगा अभी कुछ दिन पहले तो उस घटना का दोस्तों पर्दाफाश कर दिया गया और बताया गया कि वहाँ पे चॉब बताया दोस्तों ये जा रहा कि ये बिल्कुल पुनः वेल प्लान था यानी एक प्लानिंग बनाई गई थी प्लानिंग के आधार पे ही दोस्तों वहाँ पर यह घटना दिया गया था जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर वहाँ पे सभी को पकड़ लिया गया और सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसकी छानबीन भी वगैरह भी की जाएगी तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी उम्मीद तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे जहन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर